ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं जगन्नाथ अष्टकम। ये खराब हो रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है। और जगन्नाथ अष्टकम हम पांचवें श्लोक एक्चुअली या पांचवें श्लोक पे पांचवें है ना। सो पहले चार श्लोक हमने डिस्कस कर लिए थे। जगन्नाथ जी के स्तुति गा रहे हैं शंकराचार्य। और अभी तक हमने शंकराचार्य जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जगन्नाथ कौन है, उनका रूप क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, और ऑफ कोर्स उनके करते क्या है। वो हमने सारी चीजें डिस्कस की नहीं। सो अब पांचवें श्लोक में जगन्नाथ शंकराचार्य लिख रहे हैं कि पांचवा दिस इज यूजलेस। ऐसे सुनाई दे रहा है क्या कि सबको? खराब है। सो रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलिता बुधेव पटलई स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपाकर्णया सदयः दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे। सो ये बता के कि जगन्नाथ जी का फंक्शन क्या है, जगन्नाथ जी करते क्या है। अगर उनका एक काम है तो वो है अपने भक्तों पर कृपा करना, है नहीं? उनका वही काम है, बस और कुछ नहीं है। उनको भगवान को केवल कृपा करनी आती है, इसलिए उनको जगन्नाथ कहते हैं। उनको और कुछ आता ही नहीं। हमें तो बहुत सारी चीजें आती हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करना और दूसरों को कठोर वचन बोलना, मारना पीटना चोरी करना, मैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। भगवान को केवल एक ही चीज आती है, कृपा करना। और अपने भक्तों पे और संसार के सारे जीवों पे कृपा करते हैं। कृपा पारा वारा हमने कल पढ़ा था। अब यहां पे बता रहे हैं श्लोक में कि जगन्नाथ जी फील कैसा करते हैं। नहीं, हमने डिस्कस किया उनका फॉर्म क्या है, फंक्शन क्या है, फील कैसे करते हैं। हाउ डज ही फील? भगवान फील करते नहीं करते? भगवान को भी सुख होता है, भगवान को भी दुख होता है, और वो भी फील करते अपने डिवोटीज के लिए। कैन यू क्लोज दैट गेट नाउ प्लीज समबडी? सो वो क्या फील करते अपने हार्ट में? शंकराचार्य कह रहे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलिता भूदेव पटलई, कि जब भगवान का रथ चलता है, रथारूढ़ो गच्छन्, गच्छन मतलब जब चलता है, जब रथ यात्रा होती है तो जब रथ चलता है तो क्या होता है, पथि मिलिता भूदेव पटलई, तो रास्ते में बहुत सारे भूदेव मिलते हैं। अब भूदेव कौन है? भू मतलब पृथ्वी और देव मतलब देवता, पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बोलते हैं। ब्राह्मण कौन है? वैष्णव। सो हरे कृष्ण। सो ब्राह्मण को भूदेव बोलते हैं। दैट्स हाउ इट गोस। जो किंग है, राजा है, राजा को बोलते हैं भूभुजाम, संसार की भुजा है। और क्या होता है? या भोगी को बोलते हैं भुभुक्षु। भुभुक्षु, भू भुक्षु, जो पृथ्वी में बस एक ही काम करता है, इच्छाएं 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 इच्छाएं, उसको भोगी बोलते हैं, भुभुक्षु। सो
जब रथ यात्रा चलती है तो बहुत सारे ब्राह्मण मतलब बहुत सारे डिवोटीज रथ के चारों तरफ होते हैं। आप जगन्नाथपुरी में जाओ, करोड़ों लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं, आते नहीं आते हैं। भूदेव पटलई, पटलई मतलब मतलब बहुत सारे। और वो करते क्या है वहां पर डिवोटीज? स्तुति प्रादुर्भावम, भगवान की स्तुति करते हैं, जगन्नाथ जी की स्तुति करते हैं। जगन्नाथ जी चलते हैं, कितने सारे कीर्तन होते हैं, हरे कृष्णा मंत्र होता है। नहीं, आप जगन्नाथ यात्रा देखो आप टीवी पे, जगन्नाथपुरी में जो होती है, कुछ लोग कुछ मतलब बहुत भीड़ होती है, कुछ लोग अपने घर के ऊपर बैठे होते हैं, कुछ लोग छत पे बैठे होते हैं, और वहां सब दूर दूर से बस स्तुति कर रहे होते हैं सब लोग, और जगन्नाथ जी सबका सुन रहे होते हैं। स्तुति प्रादुर्भावम प्रति पदम उपाकर्णय, प्रतिपदम हर पद पद पे उप आकर्णय, सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं, अपने भक्तों की स्तुति सुन रहे हैं। भगवान को अगर कुछ पसंद है तो अपने भक्तों की स्तुति सुनना, अपने भक्तों के मुख से जब स्तुति सुनते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। शिला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये भी लिख रहे हैं कि भगवान बहुत ऑब्लाइज्ड फील करते हैं। ऑब्लाइज्ड कैसे कहेंगे? या कृतज्ञता फील करते हैं कि ये जीव आत्मा मेरी स्तुति गा रहा है, उनको बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा कहते हैं थैंक यू फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, दैट्स कृष्णा। सो इसलिए एक्चुअली भगवान की स्तुति करना सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा वही है, क्योंकि भगवान कुछ नहीं चाहते आपसे। कृष्णा केवल एक ही चीज चाहते हैं कि हम उनको प्रेम करें, बस यही चाहते हैं ना, और तो कुछ चीज चाहते नहीं, और उनको कुछ चाहिए नहीं इस संसार से, क्योंकि आप कुछ दे भी नहीं सकते उनको। इस संसार की चीजें तो वैसे ही सब क्या है, नश्वर है, भगवान को अच्छी थोड़ी ना लगती है। पर प्रेम दे सकते हैं हम, भगवान को हमारा प्रेम चाहिए, और प्रेम व्यक्त करने का बेस्ट तरीका उनका नाम लेना। और फिर अगर आप और एक्सपर्ट हो तो और कई कई तरहों की सेवा करना, नहीं, दैट्स हाउ इट गोस। तो उपकरणया और सदया, शंकराचार्य कह रहे हैं कि भगवान सुनते हैं अपने भक्तों से, उनकी स्तुतियां सुनते हैं, और सदया, सदया मतलब अपने हृदय में उसको अनुभव करते हैं, उन स्तुतियों को अपने हार्ट में फील करते हैं। और जगन्नाथ जी देख जाते हैं कि ठीक है ये हरे कृष्णा कर रहा है, ये स्तुति कर रहा है, बट उन स्तुतियों में कितना प्रेम है, उसके अनुसार वो अपने भक्तों से क्या कहेंगे, रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट कैसे कहेंगे, आदान प्रदान, या वो करते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन टू से प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, जैसे भगवान हर पद पद पे भक्तों की स्तुति सुनते हैं, जैसे जैसे भगवान सुनते रहते हैं भक्त हर पद पद पे प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, अमृत का स्वादन करते हैं, ही इज वेरी हैप्पी, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला है, सीक्रेट फॉर्मूला टू बी हैप्पी, दैट्स ऑल। इतने सारे सेमिनार्स हो रहे हैं हाउ टू बी हैप्पी, नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, इज द सीक्रेट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, ये सिंपल टेक्निक है, भगवान की स्तुति करो बस, दैट्स ऑल। सबसे सिंपल टेक्निक है, भगवान की गुणगान गाओ और आपको इमीडिएट हैप्पीनेस मिलेगी। क्वेश्चन ही है कि अगर भगवान के गुणगान गा रहे हैं और हमें आनंद नहीं मिल रहा तो क्या हो रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब भगवान तक आपकी आवाज पहुंच, या तो पहुंच नहीं रही, या पहुंच रही है तो भगवान को इतना आनंद नहीं मिल रहा उससे, क्योंकि जब तक कृष्ण को आनंद नहीं मिलेगा तब तक आत्मा को आनंद अनुभव नहीं हो सकता, इंपॉसिबल है। सो इसीलिए एटलीस्ट इन स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जीवन में, अब आपका जी भी भोगियों को भी आनंद मिलता है नहीं, तो वो कहां से आ रहा है, ये भगवान खुश हो रहे हैं जब भोगियों को आनंद, जब पार्टी में डांस कर रहा है उसको मुझे बड़ा मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कृष्णा को मजा आ रहा है, दैट लॉजिक इज रॉन्ग, क्योंकि जो पार्टी में जो डांस हो रहा है, जो उसको मजा आ रहा है, वो उसकी आत्मा खुश नहीं हो रही, वो उसका मन खुश हो रहा है सिर्फ, दैट्स ऑल। आत्मा तो डेड है उसकी, मरी हुई है। सो आत्मा को तो आनंद मिलता है जब परमात्मा आनंदित होते हैं, जब कृष्ण आनंदित होते हैं। सो पदम उपकरणया सदया और दया सिंधु बंधु, डिवोटीज क्या
क्या डिवोटी जगन्नाथ जी के क्या गुणगान करते हैं, दया सिंधु बंधु। जगन्नाथ जी कौन है? दया के सिंधु हैं भगवान। में मैंने बताया कृपा ना, दया के सागर हैं कृष्ण। सो वेल, भगवान के हर क्रिया में दया है, बस दैट्स ऑल। भगवान अगर स्माइल कर रहे हैं तो उसमें भी दया है, गुस्सा कर रहे हैं तो उसमें भी दया ही है। जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं कि जब कोई डिवोटी कुछ शैतानी करता है, शैतानी तो समझ गए ना आप, मतलब डिवोटी क्या शैतानी करता है कोई गड़बड़ काम करता है, गड़बड़ सोचता है, गड़बड़ देखता है, गड़बड़ सुनता है, तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, जगन्नाथ जी दया करके उस पर गुस्सा करते हैं और उसको पनिशमेंट देते हैं। और जब भगवान का गुस्सा उसको छूता है तो उस गुस्से से वो दोबारा से डिवोटी अपने सही रास्ते पे, उसको पता जाता है मैंने क्या गलती की, जो पनिशमेंट मिलती है और अपनी गलती ठीक कर लेता है। सो भगवान की पनिशमेंट, भगवान गुस्सा क्या हुआ, दया हो गई ना। ऐसे मां का थप्पड़ क्या है, दया है। एक बच्चा गलती करता है, मां थप्पड़ मारती है, वो दया है। पड़ोसी नहीं मारेगा, बड़ी को कुछ लेना देना ही नहीं है आपके बच्चे से। सो दया सिंधु बंधु, भगवान की दया किस प्रकार आएगी वो हमें नहीं पता, बस ये है। और हो सकता है आके चली भी गया, पहचान ही नहीं पाए, ऐसा भी होता है। इसलिए भगवान तो दया के सागर है, मगर पॉइंट यह है कि हमें भगवान की दया को देखना और समझना आना चाहिए। उसके लिए थोड़ा प्रयास लगता है, उसके लिए प्रयास होता है, और उसके लिए प्रयास करना पड़ता है क्योंकि हमें समझना है ना कि भगवान की दया कैसी है। उसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, शास्त्र चक्षु से भगवान की कृपा दिखाई देने लगती है फिर, वरना कुछ नहीं दिखाई देगा। वरना आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा, वरना अभी इतने सारे लोग मंदिर में होते हैं, सभी लोग हैं, आप बड़े लोग भी हो, बच्चे भी हैं, मगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक है क्या हो रहा है। सभी उठ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, थोड़ी पूजा कर ली, प्रसाद ले रहे हैं, टाइम भी दिया, ऐसा लगता है। मगर एक्चुअली अगर आपके पास शास्त्र चक्षु है, अगर नॉलेज है, तो आपको दिखाई देगा कि हर सेकंड भगवान हम पे दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं हर सेकंड, और हर सिचुएशन में भगवान की कृपा नजर आने लगेगी। जैसे जैसे भगवान की कृपा नजर आएगी, वैसे वैसे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बस दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हरे कृष्ण, एक प्रॉब्लम है अभी कौन कर रहा है। ओके, दया सिंधु बंधु। सो इसलिए भगवान की कृपा होती है, मगर कृपा के साथ प्रयास भी करना होता है, दैट्स द होल पॉइंट। वही मैं बुक लिख रहा था अभी, तो लोग कहेंगे भी भगवान की कृपा है तो प्रयास क्यों करना है, भगवान की कृपा है, कृपा से सब कुछ हो जाएगा, यही कहते हैं ना लोग, कृपा है भाई, भगवान की कृपा से तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बस कृपा ही है। बट कृपा है मगर आपको दिखाई नहीं दे रही, प्रॉब्लम ये है। अगर कृपा दिखाई दे रही हो आपको, मुझे तो कृपा दिखाई दे रही है, तो टेंशन में क्यों, कृपा दिखाई दे रही है तो टेंशन दिखाई नहीं देगी, टेंशन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कृपा दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जब व्यक्ति, जब जीवात्मा भगवान की कृपा से अलग होता है तो उसको टेंशन होती है सारी। दैट्स व्हाट हमारी फिलॉसफी है, कृष्ण सूर्य साम माया होए, माया मतलब टेंशन, कृष्ण मतलब दया और क्या, सिंपल सी बात है। तो जहां टेंशन है वहां कृपा नहीं है, जहां कृपा है वहां टेंशन है ही नहीं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि मन शांत हो जाता है, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट मर्सीज, मन शांत हो जाएगा, आपको दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि आप हर प्रॉब्लम में भगवान की दया देख रहे हो, सिंपल हो गया। नहीं भैया, आपको दुख तो दुख तब लगेगा ना जब वो आपको दुख लग रहा है, समझ गया ना आप लोग, आपको दुख में दुख तब होगा जब आपको दुख लगेगा। मगर जब अगर आपको दुख के अंदर, अगर आपको दुख दुख नहीं लग रहा तो दुख होगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है,
बच्चा होता है तो इट्स वेरी पेनफुल ऑफ कोर्स, बच्चे को संभालना नहीं, 9 महीने दर्द होता है, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मगर उसमें दुख हो रहा होता है, सुख हो रहा होता है, क्या कहते हो? जिनके बच्चे वो बता सकते हैं दुख होता है, सुख होता है, तो फीमेल्स ही बताएंगी, मेल्स तो कुछ नहीं बता सकते। सो वरी उसे दुख सुख है ना, उसमें तो दुख है मगर दुख के पीछे सुख है, क्योंकि उस दुख से क्या क्या पैदा होने वाला है, एक सुख, बच्चा। सो दुख की योनि में कौन है? सुख है एक्चुअली, इसीलिए सुख हो रहा है, दैट्स ऑल फिनिश। सो अगर बच्चे की जगह गैस भरी हो तो फिर तो दुख ही दुख होगा दैट्स इंटरेस्टिंग, तो कुछ हो ही नहीं रहा। सो दैट्स अ होल पॉइंट। तो इस संसार के सारे दुखों के पीछे, सारी प्रॉब्लम्स के पीछे भगवान की कृपा ही है। जो वो कृपा देख लेगा फिर उसको पता लगेगा उस प्रॉब्लम की योनि में सुख है, बस दुख होगा ही नहीं, खत्म हो गया प्रॉब्लम, फिनिश हो गया, दैट्स ऑल। सारी प्रॉब्लम्स इस संसार में कोई भी व्यक्ति इसीलिए उसको होती है, कुछ सिखाने के लिए, भगवान दया से उसको कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स भेजते हैं। वरना इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो जीवात्मा को कोई प्रॉब्लम्स दे दे, अगर भगवान नहीं चाहते तो। वो तो भगवान ही अरेंजमेंट करते हैं सब कि वो कुछ सीखता रहे। ओके, सो दया सिंधु बंधु, क्योंकि भगवान सब पे दया करते हैं इसलिए सबके क्या है, बंधु हैं। बंधु मतलब क्या होता है? बंधु मतलब ऐसे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तीन तरह के लोग होते हैं, बंधु, मित्र और सुहित्र, तीन तरह के, मतलब क्या कहते हैं, क्या है? तीन तरह के लोग क्या कहेंगे, तीन तरह के रिलेशनशिप्स हैं, बंधु, मित्र और सुहृद। सो मित्र तो वो होता है, तो मित्र कौन होता है? मित्र वो होता है जो आपत्ति काल में सहायता करे, वो मित्र है नहीं। और बंधु कौन है? बंधु वो है जो सुख में भी साथ में रहे, दुख में भी साथ में रहे, वो तो है ही, मित्र भी है, मगर मित्र से एक एक स्टेप ऊपर है, बंधु है वो। बंधु मतलब है जो कि सिर्फ सुख दुख में हमारा साथी नहीं है, प्रेम भी है उससे, रिलेशन है ना उससे, बंधु है ना हमारा, रिलेशनशिप है। मित्र से हो सकता है इतना निकट का रिलेशनशिप ना हो, है नहीं, मगर बंधु से होता है, रिलेशनशिप है उससे, वो बंधु है। और सुहृद कौन है? सुहृद है जिसका संबंध सिर्फ एक दो व्यक्तियों से नहीं है, एक दो का बंधु नहीं है, समस्त संसार का बंधु है, उसका संबंध सारे जीवों से है, वो सुहृद है। इसलिए भगवद गीता में क्या लिखा है, सुहृदम सर्व भूतानाम। कृष्णा सबको अपना मानते हैं कि सब उनके ही हैं, और इसलिए सब पे भगवान कृपा करते हैं। दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुतय, और सिंधु सुतय, और अपने साथ किसको लेके आते हैं वो, सिंधु सुतय। सिंधु सुतय कौन है, किसका नाम है? सिंधु क्या है? सागर। और सुतय मतलब पुत्री, पुत्री, पुत्री। तो सागर की पुत्री कौन है? लक्ष्मी। जगन्नाथ जी किसके साथ प्रकट होते हैं? लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी कृपा की देवी है, दैट्स व्हाट लक्ष्मी इज। सुभद्रा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुभद्रा के साथ आते हैं। सुभद्रा भी योग माया की एक एक्सपेंशन ही है। तो जगन्नाथ स्वामी ने ऐसे जगन्नाथ हमारे दृष्टि के गोचर हो। सो यहां पे बता रहे हैं कि कृष्णा फील क्या करते हैं, उनकी फीलिंग बता रहे हैं, भगवान चाहते हैं क्या हमसे, क्या चाहते हैं। अब आपने सुन तो लिया, ठीक है, कृष्णा कौन है? दया सिंधु बंधु सकल जतकाम सिंधु सुत्या, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कृष्णा क्या चाहते हैं हमसे, आपने तो पढ़ लिया अभी, अब क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू से? एक बात तो क्लियर है कि भगवान सुनना चाहते हैं, है नहीं, उपकरण है, भगवान रथ पे चल रहे हैं और सुनना चाहते हैं, उनके कान भूखे हैं, क्या सुनने के लिए? अपनी अपनी स्तुतियां सुनने के लिए। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप कहोगे कि
अपनी स्तुति सुनने के लिए उनके कान ललाए जाए, तो ये तो अच्छा आदमी बुरा आदमी है? मतलब अगर अगर आप में से कोई अपनी स्तुति सुनने के लिए ललाए तो कृष्ण की सुनना चाहते हैं अपनी स्तुति, जिससे कि जीवों का कल्याण हो। जीवों का कल्याण वो कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि वो कुछ मतलब कुछ तो हमारे लिए करे, मतलब इतना भगवान का आरक्षण कृपा में है तो कृपा करने के लिए वो सुनना चाहते हैं, कुछ तो करो हमारे लिए। तो ठीक है, एक बात ही है, भगवान अपनी स्तुति क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि एक कारण ये है कि उनको, भगवान को पता है कि अगर कोई भी उनकी स्तुति करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, उनको पता है अंदर। जैसे माता पिता को पता है कि बच्चे हमारा पैर छुएंगे तो चरित्रवान हो जाएंगे ना, संस्कारी हो जाएंगे, उनको पता है ना, तो इसलिए कहते हैं हमारे पैर छुओ। तो भगवान को पता है कि अगर उनकी कोई स्तुति करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि भगवान की स्तुति करने से हम शुद्ध कैसे हो जाते हैं? तो भगवान की स्तुति करने से, भगवान की स्तुति में क्या बोलेंगे? भगवान की गुणी तो गाएंगे और क्या बोलेंगे, है नहीं? और भगवान के जितने भी गुण हैं वो कल्याणकारी और कल्याणमयी गुण हैं, तो वो भगवान की स्तुति गाते गाते हमें भगवान के अच्छे गुण हमेशा स्मरण रहेंगे, और जब अच्छे गुण स्मरण आते रहेंगे तो अच्छे गुण हमारे में भी धीरे धीरे आ जाएंगे, बस तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दैट्स ऑल, फिनिश। अगर आप श्री रामचंद्र के गुणगान गाते रहो तो आप भी रामचंद्र जैसे बन जाओगे, गुणों में वैसे गुण आप में भी आ जाएंगे। संसार में भी ऐसे होता है नहीं, आप सचिन तेंदुलकर के गुण गाते रहो तो क्या होगा, आप भी क्रिकेट में पहुंच जाओगे एक दिन। क्रिकेट देखते रहते हैं, देखते गुणगान गाते रहते हैं लोग, है नहीं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। सिर्फ संसार में भी ऐसे ही है, बस आप अमिताभ बच्चन के गुणगान गाते रहो तो आप अमिताभ बच्चन जैसे बन जाओगे। सो ऐसे ही है बस, दैट्स ऑल। एक हमारे टीचर थे हमारे मणिपाल में, HOD गायनी डिपार्टमेंट के, OBG। अरे वो पतले से नहीं थे, बल्कि आप OBG में कौन था HOD? वो है ना, एक पतले से भी थे, छोटे से, मतलब जो लड़की में ऐसे बिहेव करते रहते थे OBG डिपार्टमेंट में थे। सो वो मतलब हमसे पढ़ाने आया ना पहली बार, तो OBG पता है ना आपको, फीमेल डिपार्ट, फीमेल गायनी क्या कहते हैं OBG डिपार्टमेंट को हिंदी में, प्रसूति ये भी समझ नहीं आया इनको, मतलब OBG मतलब जो फीमेल डिपार्टमेंट है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है और जो भी फीमेल हुआ, तो वहाँ पे HOD मेल थे हमारे, तो पहली क्लास में पढ़ाने आए तो वो लिखा कि सो आई विल टीच यू अबाउट गायनी जो भी है। तो फिर मैं थोड़ी देर सब देख रहे थे, हमने कहा ये क्या हुआ तो वो कैसे, वो ऐसे कह रहे थे, सो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज हम सब पढ़ेंगे मैंने हो क्या रहा है, ये कौन है, ये आदमी है, औरत है तो हमें का प्रॉब्लम है यार ये तो कुछ फिर धीरे धीरे पता लगा कि एक्चुअली वो 20 साल से छोटी थे, फीमेल डिपार्टमेंट ना, फीमेल्स के साथ रहते 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 वो भी वैसे ही हो गए, क्योंकि 24 घंटे फीमेल से ही बात कर रहे हैं, बात ही वो करते जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हो गए थे, चलते भी वैसे ही थे यू नो दैट नो देयर वाज HOD नो ही वाज लाइक दैट, और सारे HOD सारे गायनी डिपार्टमेंट जो मेल्स काम करते हैं सब ऐसे ही आते हैं, ये कंटिन्यूस एसोसिएशन है नहीं? तो अब जिसके साथ रहोगे, जिसको देखते रहोगे, जिसके गुणगान गाते रहोगे, बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे, बस दैट्स ऑल, फिनिश। तभी भगवान कह रहे हैं मेरे गुणगान गाते रहो, मेरे गुणगान गाते गाते मेरा स्मरण होता रहेगा, मेरा स्मरण होते होते मेरे अच्छे गुणों का, मेरी लीलाओं का स्मरण होगा, वो सारे अच्छे गुण तुम में आ जाएंगे, तुम मेरे जैसे ही बन जाओगे। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त और मेरे में कोई अंतर नहीं है, सेम, एब्सोल्यूटली द सेम। सो इसीलिए भगवान अपने गुण सुन, अपनी स्तुति सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके जैसा ही बन जाएं। कृष्णा वॉन्ट्स, क्योंकि जब तक हम उनके जैसा नहीं बनेंगे तब तक हमें शांति और सुख नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है।
जब तक हम केवल मनुष्य ही बने रहेंगे, साधारण ऑर्डिनरी ह्यूमन, और इस प्लेटफॉर्म से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम सुख और शांति नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रभुपाद एग्जांपल नहीं दे रहे कि अगर लोहे को आग में डालोगे तो वो गर्म हो जाएगी, वो भी आग की तरह एक्ट करने लगेगी, है नहीं? बस यही है, दैट्स ऑल, फिनिश। सो भगवान इसलिए अपने गुण, इसलिए कृष्णा केवल, ठीक है, अपने श्लोक पहले तो करना क्या है, भगवान के गुणगान गाने, ओके गुड। सो अगर आपको गुणगान करने नहीं आता तो आप हरे कृष्णा गाओ, दैट्स ऑल। अभी नहीं आता ना गुणगान करना, तो ठीक है अभी हरे कृष्णा गाओ, हरे कृष्णा गाते 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 भगवान के गुणगान करना आ जाएगा धीरे धीरे। और दूसरी चीज भगवान क्या चाहते हैं, कृष्णा जिस प्रकार दया कर रहे हैं सारे संसार पे, उसी प्रकार हमें भी भगवान सारे लोगों पे दया करनी चाहिए, क्योंकि हमारा, हम सेवक है ना, मैंने कल बताया था, हम सेवक है, हमारा काम क्या है, भगवान के काम में हाथ बटाना। अब मुझे बताओ, भगवान अपनी स्तुति सुनना चाहते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कि हम स्तुति करें और लोगों से भगवान की स्तुति कराएं ना, दैट्स द आइडिया। सिर्फ हमारे लिए बात नहीं हो रही, जो भगवान चाहते हैं उनके मिशन में हमें हेल्प करना है, वो प्रीचिंग है बस। प्रीचिंग क्या है अल्टीमेटली, हम क्या चाहते हैं, प्रीचिंग करके लोग भगवान की गुणगान ही तो गाएं अल्टीमेटली, दैट्स ऑल। भगवान के गुणगान वैसे आप गा के भी गा सकते हो, वैसे तो गा के गाते हैं ना, अरे मगर जरूरी नहीं है आप गा के ही गाओ, भगवान के गुणगान आप अपने व्यवहार से भी गा सकते हो, दैट्स ऑल। आपके व्यवहार से भी भगवान के गुणगान गाते हैं, आपके चलने से, बैठने से, बोलने से, सोचने से, सबसे भगवान की कीर्ति फैलती है। गुणगान मतलब कीर्ति फैलाना नहीं। अगर आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इनका स्वामी बहुत बहुत अच्छा है, नहीं, क्योंकि ये भक्त कितने अच्छे हैं, कृष्ण की प्रशंसा होगी ना। तो आपके व्यवहार से किसके गुणगान गाए जा रहे हैं, कृष्ण की, तो भगवान के मिशन में हेल्प हो गई, दैट्स ऑल। इसीलिए हर वैष्णव को क्या कहते हैं, अपने आचार और व्यवहार में परफेक्ट जेंटलमैन होना चाहिए, परफेक्ट जेंटलमैन। और अगर आपको शुरू करना है अच्छा व्यवहार करना, तो शुरुआत कहां से होगी, अच्छे व्यवहार की शुरुआत कहां से, और उसे क्या हो गया, मैं बता तो चुका हूं कितनी बार, पूरी विदुर नीति लगा दी और हैं, नहीं साधारण प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है वो तो। अच्छे व्यवहार की शुरुआत कहां से होती है, या वाणी से, नहीं, भक्ति की शुरुआत कहां से होती है, वाणी से, और अच्छे व्यवहार की शुरुआत भी कहां से होती है, वाणी से, और युद्ध कहां से शुरू होता है, सब कुछ वाणी से ही शुरू होता है, दैट्स ऑल। इसको क्या हो गया सब कुछ वाणी से शुरू होता है, तो अगर अच्छा व्यवहार करना है तो सबसे पहले अपनी वाणी को ठीक करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। अ कल्चर्ड मैन इज नोन बाय हिज वर्ड्स, दैट्स ऑल। आप क्या हो आपके शब्दों से पता लगेगा, दैट्स ऑल। ऐसे पता है क्या होता है, कभी कभी ना, कभी कभी आजकल तो चलो लोग बहुत अच्छी तरह ड्रेस कर लेते हैं, है नहीं, सब बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें खरीद लेंगे, इधर उधर से अच्छी तरह मेकअप कर लेंगे, आ जाएंगे। तो कई लोग मिलते हैं, जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ तो अमेरिका एयरपोर्ट पे कई लोग, एयरपोर्ट तो कई लोग मिलते हैं, कई इंडियंस होते हैं आते हैं, तो कहीं तो मैं तो इस ड्रेस में होता हूँ तो मुझसे मिलने आते ही हैं, क्योंकि इंडियंस हैं तो किसी साधु को देखा तो कहते हैं भाई ये कहाँ से, तो सब वहाँ तो सब अच्छी तरह ड्रेस्ड होते हैं प्रॉपरली, और मतलब फिर वो आते हैं तो आके जैसे ही बोलते हैं वैसे ही पता लगता है कि कहाँ से। एक आया था मेरे पास हेलेंस की में, तो मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, तो आ गया, मतलब बहुत ही प्रॉपरली ड्रेस्ड, सूट बूट पहन के आया मुझे मेरे पास, तो मैंने कहा पता नहीं यार कहाँ से आया होगा, पता नहीं किस कंपनी से होगा। तो मुझसे आके कहता है, तो मुझसे आके कहता है क्या है, हमारा नाम है ए, जो भी अभी वॉट, हमारा नाम कैसे बोलते हैं झारखंड, बिहारी भाषा में कैसे बोलते हैं,
हमवा नाम है, कैसे बोलते हैं, हमरा हमरा, हाँ ओ यार भूल गया, वो ऐसे ही बोलते हैं हमरा नाम। कुछ बोला था उसने, ई है, ई है, हाँ हाँ ये बात है, ये बिहारी आ गई, हमारा नाम ई है, चंद्रगुप्त जो भी है उसने बोला से बोलते समझ आ गया कि उसका लेवल क्या है। मतलब ऑफ कोर्स आई मीन ही वो प्रोजेक्ट कर रहा था कि वो बहुत बड़ी कंपनी से और ये है वो है, बट वाज़न्ट लाइक दैट। मैंने पूछा भी तू यहाँ क्या कर रहा है फिर, तो कहता है कोई नहीं हमारी कंपनी वालों ने ऐसी घूमने के लिए टिकट दिया है, तो हमने कहा एक राउंड मार के आ जाए बस ठीक है भाई। सो लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, सुना है आपने इंग्लिश हिंदी में कैसे कहेंगे, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, हिंदी में कुछ है इसका मुहावरा कोई, ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं हो सकता है, देखने में धोखा हो सकता है, नहीं धोखा होता ही है। सो किसी को भी पता लगाना है उसकी वाणी से पता लग जाएगा, उसके शब्दों के प्रयोग से। ऐसे अभी मुझे किसी ने लिंक भेजा था, एक डिबोटी है उसने लिंक भेजा था कि मैं इन इन व्यक्ति का सुन रहा हूं, एक है कोई कथाकार, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कथाकार, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा कि आप भी देखिए प्रभु जी, तो मैं तो खैर मैं क्यों देखूंगा, बट मैं दिखना था तो कौन बोल रहा है, तो मैंने देखा तो बोल रहा था वो कथाकार, तो वैसे तो ठीक ही बोल रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसके शब्दों का जो चॉइस है ना वो बहुत अजीब सा था, उससे मुझे पता लग गया कि उसका लेवल क्या है, क्योंकि वो बोल रहा था कि भाई हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, ठीक है फिलॉसफी तो ठीक है, और प्रेम शब्द केवल कृष्ण के लिए और किसी के लिए नहीं है, ये तो वे भी बिल्कुल ठीक है, और प्रेम में भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको लगेगा वाह, मगर एक्चुअली उसने फिश शब्द ऐसे इस्तेमाल किया, उसने कहा तो प्रेम क्या है, तो प्रेम क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रेम करने से जीवन में मधुरता आ जाती है, जैसे पानी में मिश्री घोल देते हैं। अब देख रहे हो कैसे, अब देख रहे हो आप कैसे कैसे शब्द हैं, तो इन शब्दों से मुझे पता लग गया कि उसका लेवल जो है सब बहुत ही सुपरफिशियल है, क्योंकि हम लोग ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते कि भगवान की भक्ति करेंगे तो मधुरता आ जाएगी, जिस प्रकार मिश्री खुल जाती है पानी में आप लोग भी सुन के हंसी आएगी, जो हमसे सुनने को हंसी आएगी, तो इसका मतलब उसने फिलॉसफी रटी हुई है बस, डजंट अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पीकिंग। तो शब्दों से पता जाता है किसी का क्या लेवल है, कौन किस प्लेटफॉर्म पर, इसलिए वाणी सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं वाणी ठीक होनी चाहिए, व्यवहार, भक्तों का व्यवहार, व्यवहार से भी गुणगान गा सकते हैं, वो वाणी से होगा। सो कल्चर्ड लैंग्वेज, दैट्स ऑल, शब्दों का चॉइस ऐसा करो कि जिससे ऊटपटांग लफंगे वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कभी, एटलीस्ट मंदिर में नहीं होना चाहिए, अबे ओए इधर आ, व्हाट्स दिस इज एनिमल, तो जानवर है, जानवर मंदिर में यहां कर रहा है, आई डोंट नो, एटलीस्ट डिवोटीज के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, वाणी में आदर होना चाहिए और हो सके तो प्रेम होना चाहिए और कठोर वचन नहीं होने चाहिए, दैट्स हाउ इट गोस। सो एनीवे, मैं बता रहा था कि भगवान दूसरे हम भी दूसरों से स्तुति करा सकते हैं और दूसरों भगवान की स्तुति कर सकते हैं अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से, दो चीजों से हम स्तुति कर सकते हैं, और कृष्णा बहुत ही कर है देखने के लिए कि कैसे कर रहे हैं मेरी स्तुति। सो जगन्नाथ जी ये फील करते हैं, कृष्णा वॉन्ट्स कि हम उनके मिशन में उनकी हेल्प करें। ओके, उसके बाद शंकराचार्य कह रहे हैं कि भगवान ये फील करते हैं और भगवान दया मतलब भगवान ब्लेसिंग्स देते हैं, दया मतलब ब्लेसिंग्स देंगे, अब ब्लेसिंग्स देते कैसे हैं,
सो यहां पे लिख रहा है परम ब्रह्म पीड़ा कुवलया दलोत फुल्ल नयनो। परम ब्रह्म पीड़ा, ब्रह्मा जी के सर पे अपना चरण रखते हैं, ब्रह्मा जी को ब्लेसिंग्स देते हैं। परम ब्रह्म पीड़ा, इसके दो कोई मतलब हो सकते हैं, बट एक मतलब यह है कि ब्रह्मा जी को ब्लेसिंग्स देते हैं, और दूसरा मतलब है कि वही परब्रह्म इस संसार में उतर के आते हैं हम लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए। जब कृष्णा इस संसार में अवतरित होते हैं तो किसको ब्लेसिंग्स देते हैं? पृथ्वी को। सबसे पहले किसको छूते हैं अपने पैरों से? पृथ्वी को। सबसे पहले ब्लेसिंग्स पृथ्वी देवी को मिलती है जब भगवान अवतार लेते हैं, और फिर कृष्णा जब अवतार लेते हैं तो सबको ब्लेसिंग्स देने जाते हैं। देवलोक में भी जाते हैं, नीचे के लोकों में गए, वरुण लोक में गए, वरुण जी को ब्लेसिंग्स देने, सबको ब्लेसिंग्स देने गए, अगर एक व्यक्ति को भूल गए थे। किसको भूल गए थे ब्लेसिंग्स देना? महाविष्णु को। विष्णु को ब्लेसिंग्स देना भूल गए। तो विष्णु ने कहा भी मुझे तो ब्लेसिंग्स मिली नहीं, तो वो पूरा जो कथा हुई, और फिर उसके बाद गए एक्चुअली ब्लेसिंग्स देने, कृष्णा गए एक्चुअली ब्लेसिंग्स देने, और एक जने को और को ब्लेसिंग्स नहीं दी। किसको दी? शिवजी। नहीं, शिवजी तो गए, मिलने भी आए थे शिवजी तो, और कौन है? एक महाविष्णु से कृष्णा नहीं मिले अपनी लीला में? बाकी सारे देवताओं से मिले हैं, सबसे मिले हैं, सारे सबको भगवान ने दर्शन दिए, महाविष्णु को दर्शन नहीं दिए थे, और किसको नहीं दिए? एनी आइडिया? हिंट देता हूं, वो एक आदमी नहीं, वो दो आदमी है, नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि को भी भगवान कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए, इसलिए अपनी लीला जब एंड कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने किसको बोला था नारायण के पास आने को? उद्धव जी को, बद्रिकाश्रम। तो उनसे दो 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 व्यक्तियों से नहीं मिले थे वो, नारायण ऋषि में तीन हो गए बेसिकली, और महाविष्णु से, बाकी सबको भगवान ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। सो परम ब्रह्म पीड़ा, भगवान इस तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं। कुबलया दलोत फुल्ल नयनो, ब्लेसिंग्स देते कैसे हैं? कुबलया दलोत फुल्ल नयनो, नयन नयन उत्फुल्ल, भगवान के आंख, जगन्नाथ जी की तो आंख ही इतनी बड़ी है ना, मेन तो पूरी आंख ही उनके शरीर के अंदर। सो अपनी ब्लेसिंग्स अपनी आंखों से देते हैं। कुबलया, कुबलया का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कुबलया, ये शब्द सुना है किसी ने? कुबलया, कुबलया पीड़, हाथी का नाम नहीं था कुबलया पीड़? तो कुबलया का मतलब क्या है? कुबलया मतलब होता है लोटस, कमल के फूल, कमल के फूल के बंच को कुबलया कहते हैं। बंच कैसे कहेंगे? पुल्ले, पुल्ले जो आप लाए हो ना कमल के पुल्लों को, कमल के झुंड को, छोटे से झुंड को, उसको हम कुबलया कहते हैं। तो वो उस हाथी का नाम कुबलया पीड़ था, जिसके कृष्ण की फाइटिंग हुई थी उससे। कुबलया पीड़ में इतनी शक्ति थी कि वो, मतलब देवता लोग भी डरते थे कुबलया पीड़ से, इतनी ज्यादा पावर थी उसके अंदर। उसका नाम कुबलया पीड़ था क्योंकि वो कई लोगों के गार्डन्स और उद्यान खराब कर चुका था, देवताओं के भी जो गार्डन नहीं है, नंदन वन और इधर उधर जाके पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता था। गार्डन में जनरली कमल होते हैं, है नहीं, सुंदर गार्डन्स में उसकी हैबिट थी, जो भी सुंदर होता था उस पर उसको रोंद के आ जाता था। मतलब साधारण गार्डन्स नहीं, देवताओं का गार्डन भी रोंद के आ गया, इसका मतलब हराया होगा उसने उसको, लड़ाई की होगी, डर गए लोग, सब भाग गए। कुबलया पीड़, पीड़ मतलब दुख, दुख देना, पीड़ा देना, पीड़ा दुख देना। मगर यहां पर कुबलया का मतलब है भगवान की आंखें कमल जैसी हैं, और उनमें उत्साह है, उत्फुल्ला। भगवान की आंखें बड़ी क्यों? क्योंकि उनमें उत्साह है। किस बात का उत्साह है? जीवों को दया देने का, कृपा करने का उत्साह है भगवान की आंखों में, इसलिए हमेशा इतनी बड़ी बड़ी रहती हैं। हमेशा अपने भक्तों की सेवा को देखते रहते हैं, और सेवा को देखकर उन पर दया करते हैं, ढूंढते रहते हैं कि इस भक्त ने क्या सेवा की,
और फिर मैं कृपा दूंगा। जैसे हम लोग लोगों के दोष ढूंढते रहते हैं इतनी बड़ी बड़ी आंखों से इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, बस यही देखते रहते हैं। जगन्नाथ जी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से दूसरों में सेवा भावना देखते हैं। एक्चुअली शीला प्रभुपाद ऐसे ही थे। शीला प्रभुपाद के पास इतने सारे हिप्पी आई, हिप्पीज में तो सारी प्रॉब्लम ही थी, नहीं उनका नाम ही प्रॉब्लम था हिप्पियों का मतलब सब कुछ गलत उल्टा काम कर रहे हैं वो लोग। मगर प्रभुपाद ने क्या देखा? प्रभुपाद ने ना दोष देखा ना गुण देखा। प्रभुपाद क्या देख रहे हैं उनमें? सेवा भावना देखी। बनने का ठीक है, ये मंदिर आ रहे हैं, इनका 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 मन लग रहा है भगवान के नाम में और ये कुछ करना चाहते हैं कृष्ण के लिए, बस उन्होंने उनको उत्साह दे दिया। दैट्स अ डिवोटी। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि अच्छे बुरे गुणों से ऊपर उठ जाओ। कहने का मतलब है, ऊपर उठने का मतलब है कि किसी भक्त में बुरे गुण बुरे तो चीजें हैं, मगर बुरी चीजें मत ढूंढते रहो, दोष मत ढूंढते रहो। अगर गुण दिखाई नहीं दे रहे तो दोष मत ढूंढते रहो। गुण तो अब मैं कहूंगा चलो गुण ढूंढो, मगर आप कहोगे गुण तो दिखाई नहीं देता, है ही नहीं उसमें गुण कोई। ऐसी होता है नहीं, मैं पता नहीं कहां था, कनाडा में था कहीं ना, तो एक डिवोटी आया तो उसने कहा प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम है, मंदिर में सारे पागल हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनमें कोई कोई तो गुण होगा। क्या कोई गुण है ही नहीं, कहां से ढूंढू मैं मैंने कहा ठीक है, उसको गुण नहीं दिखाई दे रहे। जिसको दूसरों में गुण नहीं दिखाई देते उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसी में कुछ प्रॉब्लम बंद है। क्योंकि संसार में भगवान ने जब किसी को बनाया तो उसमें गुण डाल के ही भेजा था। कोई ना कोई गुण हरेक में होता है, कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी हरेक में होती है, होती नहीं होती है? हर पत्थर में भी कोई ना कोई गुण होता है, तो जीवात्मा में क्यों नहीं होगा? हर पेड़ में कोई ना कोई गुण है, मानते हो नहीं मानते हो? तो जीवात्मा में क्यों नहीं? बट प्रॉब्लम है कि हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है चलो नहीं दिखाई दे रहा तो तुम्हें गुण नहीं दिखाई दे रहा, तो उसने कहा मुझे तो दिखाई नहीं देता गुण। और मैं क्या करूं? तो मैंने कहा गुण दिखाई नहीं देता तो दो दोष भी मत देखो। तो उसने कहा क्या देखूं? सेवा भावना, दैट्स ऑल। इसलिए प्रभुपाद ने, प्रभुपाद से लोग कंप्लेन करते थे, प्रभुपाद कहते थे चलो ठीक है कृष्ण की कुछ तो सेवा तो कर रहा है, और सेवा करने से अच्छे गुण अपने आप धीरे धीरे आने भी लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से हम चलते हैं, जैसे 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 फॉर एग्जांपल शास्त्रों में लिखा है अगर हीरा कोयले की खान में पड़ा हुआ मिला तो लोगे नहीं लोगे? क्या करोगे? छोड़ दोगे? या अगर अगर आपको अगर आपको इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कोई कुलीन स्त्री हो, कोई बहुत सुंदर स्त्री हो, बहुत अच्छी हो, मगर चंडाल परिवार में पैदा हुई हो, तो आप शादी करोगे उससे या नहीं? शास्त्र में लिखा कर लेनी चाहिए, जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण परिवार में हो, अच्छे कुल में हो। मतलब आजकल तो ऐसे ही चलता है नहीं, हमारी कम्युनिटी की हो, उसकी हो, ये हो, एटलीस्ट लेवल नहीं है। शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। अगर कहीं कुलीन स्त्री हो, सुंदर हो, ठीक है, सुशील हो, कोई भी कुल की हो, डजंट मैटर। सो कूड़े से भी या घोड़े से भी हीरा उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बात वही है, अगर सेवा भावना है, सेवा भावना देखो, सेवा भावना है, ओके फाइन, दैट्स ओके, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर धीरे धीरे अच्छे गुण आने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कुवलया दल्लोत फुल्ल नयनो, भगवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या देख रहे हैं? सेवा भावना, कि ऐसे थोड़ी सी मेरी सेवा कर रहा है, और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए कि उसकी सेवा भावना और बढ़े। और अगर हम उसमें दोष निकालते रहे तो उसकी सेवा भावना भी खत्म हो जाएगी, है नहीं? क्योंकि वो तो नया डिवोटी है। तो अगर हम दोष निकालेंगे कि यार मैं यहां पे नहीं रहूंगा, क्योंकि पता है शास्त्रों में भी लिखा है कि अपना देश कौन कौन सा होता है, ये मुझे बताओ, अपना देश कौन सा होता है? आप किस देश को अपना कहोगे कि मेरा देश है? किस घर को अपना कहोगे कि मेरा घर है? किसको? यहां पे बर्थ हुआ? नहीं, वो तो लीगल है,
चीज है। क्या कहते हो? जो अपना लगे ले। तो अच्छा आंसर है। मारुति क्या है? गाड़ी। गाड़ी क्या है? मारुति। तो फिर अब गीत कैसा आंसर हुआ है? नहीं, कभी कभी ब्रदर सिस्टर होते हैं, फैमिली होती है, मगर ऐसी लड़ाई होती है कि कभी मुंह नहीं देखना चाहते, छोड़ के चले जाते हैं, है ना, अपना नहीं लगता वो। तो वो जगह अपनी लगती है जहां पे आपका आदर होगा, देख लेना नीति में तो ये लिखा है, जहां व्यक्ति का आदर होता है वही उसको अपना देश अपना घर लगता है। अपना आदर होता है तभी वहां पे बैठे हो। जहां जिस दिन आदर खत्म हो गया ना, उस दिन छोड़ के चले जाओगे आप, परेशान हो जाओगे, एटलीस्ट मन से तो छोड़ दोगे। आदर ही मेन चीज है। सो है आदर है नहीं, क्योंकि आदर के क्योंकि आदर की आदर आदर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई रह नहीं सकता वहां पे, है नहीं। आपको कहेगा भाई मेरा आदर नहीं हो रहा, मतलब इनफैक्ट अगर घर में आपके आपके पेरेंट्स आपका आदर नहीं करें, गाली देते रहे, तो आपका मन ही नहीं करेगा रहने का। ओके मैं जा रहा हूं, बकवास है सब, चाहे कितना ही प्रेम हो, ऐसा है नहीं है। सो आदर मेन चीज है, तो इसलिए वही अपना देश वही अपना घर लगेगा जहां पे आपका आदर होगा, बस दैट्स ऑल। सो मैं क्यों कह रहा हूं ये, आई जस्ट लॉस्ट माई ट्रैक, हरे कृष्ण, किसी को याद है क्यों कह रहा हूं मैं? क्या कह रहे हो, भूल ही गए आप? मैं भी भूल गया। अपना घर किसको बोलते हैं? वो तो है ही, अपना घर बोलते जहां पे आदर हो। ओके ओ या हाँ, मैं कह रहा था कि भगवान सेवा भावना देखते हैं ना, तो हमें भी सेवा भावना ही देखनी चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए। अगर हम दोष निकालते रहेंगे सब डिवोटीज के, तो उसको फीलिंग आएगी कि मेरा आदर नहीं हो रहा यहाँ पर, है नहीं, फीलिंग ये आ जाएगी ना कि मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मेरा आदर नहीं हो रहा, फिर उसको अपना घर नहीं लगेगा ये, और वहां पर कोई फिर वो छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के चला गया तो जो थोड़ी बहुत सेवा भावना है वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए शास्त्रों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीखें कि किसी भी वैष्णव कोई फीलिंग ना दें कि उसका निरादर हो रहा है, क्योंकि वो होगा तो फिर वो साधु संघ छोड़ देगा। उसमें जो सेवा भावना है वो हम इंटरेस्टेड नहीं आदर देने में और किसी का निरादर करने में, हमें कोई मतलब नहीं है, बट एट द सेम टाइम उसकी सेवा भावना की हानि होगी उससे। इसलिए हम लोग बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की नजरों में अगर किसी की वैल्यू है तो वो सेवा भावना की। अगर हम किसी की सेवा भावना को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको खराब भी ना करें, क्योंकि उससे भगवान बहुत गुस्सा हो जाएंगे जगन्नाथ, क्योंकि वो यही तो देख रहे हैं, जन्मों जन्मों से इतनी मुश्किल से इसमें सेवा भावना आई और इसने पागल ने दिमाग खराब, इसने वो सेवा भावना किसने डाली है उसमें? भगवान ने इतनी मुश्किल से अरेंजमेंट किया है, कई साधु भेजे होंगे, कुछ अरेंजमेंट किए होंगे कि जिससे वो फाइनली वो उसमें मंदिर में आ गया, थोड़ी सी सेवा कर रहा है, और आपने एक सेकंड में साले कमीने हरामजादे ये कर रहा है तू? मैं जा रहा हूं प्रभु जी मंदिर से, ठीक है मैं सेवा करना चाहता हूं, मगर बता नहीं सकता, बस क्या नहीं बता सकता कि उसका आदर बस ये है और कुछ नहीं। सो कल्चर इसलिए आप बोल सकते हो जो भी कर सकते हो, मगर कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, फीलिंग नहीं देनी चाहिए कि उसका निरादर हो रहा है, फीलिंग नहीं देनी चाहिए कि वो बेकार है, घटिया है, नीचे है, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, वो वैष्णव नहीं करता कभी भी। समझ गए नहीं समझ गए? दैट्स हाउ इट गोस।
सो दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रव निहित चरणा अनंत शिरसी। और जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी को ब्लेसिंग्स देते हैं, और किसको ब्लेसिंग्स देते हैं, चरणों अनंत शिरसी, अनंत शेष के सर पे अनंत शेष को ब्लेसिंग्स देते हैं। और किसको देते हैं, अपने डिवोटीज को। और सबसे इंपॉर्टेंट, रसा आनंदो राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो। और किसको देते हैं, किसको देते हैं, राधा को ब्लेसिंग्स नहीं देते ब्लेसिंग्स बहुत नीचे की बात हो गई। रसा आनंद राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो, राधा रानी को अपना आलिंगन देते हैं, प्रेम। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। ब्रह्मा जी और अनंत शेष को तो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मगर राधा रानी को आलिंगन दे रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस देयर। तो इस संसार में जीवात्माओं को वो कृपा करते हैं, कृपा देते हैं, जो नए भक्त हैं उन पर कृपा करते हैं, मगर जो राधा हैं और जो एडवांस डिवोटीज हैं, भगवान उनको आलिंगन देते हैं, उनको प्रेम देते हैं अपना, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने बताया था ना, भगवान के दो ही काम है, प्रेम देना और कृपा देना, बस दो ही काम है। सो कृष्ण रसानंद राधा सरसवपुर आलिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे। और अब छह श्लोक हो गए, जगन्नाथ शंकराचार्य ने प्रेस कर दी भगवान की, सब कुछ बता दिया है, नहीं कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या गुण है, क्या लीलाएं हैं, करते क्या है, फील क्या करते हैं, कृपा कैसे करते हैं, सब कुछ तो हो गया। अब उसके बाद वो प्रे कर रहे हैं भगवान से। प्रभुपाद कह रहे हैं सिस्टम ये होता है, पहले भगवान की प्रेस करो और फिर उसके बाद प्रे करो। सीधा जाके प्रे मत करते रहो, लोग यही करते हैं नहीं, सीधा मंदिर जाके भगवान मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत दुखी हूं, प्लीज ये कर दीजिए, कर दीजिए। भाई वो क्या कहते हैं उसको, दुखड़ा रोने आ गए, क्या कहते हैं, दुखड़ा, दुखड़ा समझते हो ना, दैट्स अ बैड थिंग टू डू। आप पहले भगवान की प्रेस करो, फिर उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले गुणगान तो करो, अगर किसी महान व्यक्ति से मिलने आते हो तो पहले सीधा थोड़े ना प्रॉब्लम बोलते हो, आप पहले कुछ गिफ्ट देते हो, कुछ हम आपसे मिलने आए हैं, आप बहुत अच्छे हैं, उसके बाद कुछ बात होती है ना। सो क्या प्रे कर रहे हैं, प्रे करना सिखा रहे हैं शंकराचार्य। इस तरह से प्रे कर सकते हो, ये दो श्लोक याद कर सकते हो और ये प्रे कर सकते हो आप सुबह सुबह उठ के भगवान से। क्या प्रे करें, नवई आचे राज्यम न च कनिक माणिक्य विभवम, कि हे जगन्नाथ मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कनक नहीं चाहिए, कनक सोना या पैसे, आजकल की लैंग्वेज में पैसे हो गए, पहले सोने की करण मुद्रा ही थी, अब पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। माणिक्य विभवम, ना ही मुझे वैभव चाहिए, ना ही मुझे सक्सेस चाहिए, ना ही मैं चाहता हूं कि लोग जाने कि मैं वैष्णव हूं बहुत बड़ा, मैं कुछ नहीं चाहता। नहीं आचे हम रम्याम, मैं कोई सुंदर सुंदर स्त्रियां भी नहीं चाहता, नहीं चाहता। आई डोंट वांट, जो पूरी दुनिया ये चाहती है ना, मनी वुमेन एंड व्हाट्स दैट थ्री, मनी वुमेन एंड हाँ थ्री डब्ल्यू होते हैं, वुमेन वेल्थ एंड वाइन, या मल्टी सॉरी विटामिन डब्ल्यू ये हम कहते हैं, लोग विटामिन ए बी सी डी लेते हैं, दिस इज अ विटामिन डब्ल्यू, वुमेन वाइन एंड वेल्थ, सब इसी के पीछे है नी, सब इसी के पीछे, किसी ना किसी रूप में इसी के पीछे हैं सब, दैट्स ऑल। आप कहोगे हम तो नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब डिवोटीज को छोड़ के सारी दुनिया तो इसी के पीछे है, वुमेन वाइन एंड वेल्थ, अरे मुझे नहीं चाहिए। सकल जन काम्याम वरवधुम, तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट। सो वो यहां पे कह रहे हैं ओके मुझे क्या चाहिए, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो, मुझे चाहिए कि मैं सदैव आपके, सदा काले काले आपके, आपका जो रूप है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसके हमेशा मैं गुणगान करता रहूं, सदा मतलब हर क्षण और हर स्थिति में, एट एवरी टाइम एंड एट एवरी मोमेंट, सदा काले काले प्रमथा पतिना, भगवान के जो
उस तरह गुणगान करता रहूं जिस तरह प्रमथ पते नाम। तो प्रमथ पते किसका नाम है, किसी को पता है प्रमथ पते किसका नाम है? प्रमथ पति नाम है शिव जी का। क्यों नहीं ये प्रमथ, प्रमथ मतलब होता है पागलपन, पागलपन। प्रमथ मतलब होता है कि जो जो पागलों के स्वामी है। अब किसकी बात हो रही है, कौन कौन पागल है? भक्त, भक्तों की बात हो रही है। भक्त पागल ही तो है। वो क्या क्या श्लोक है, हसती रोती रोदती उन्मादवत नित्यति लोक भाइये। कभी भक्त हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी पागलों की तरह नाचते हैं। मतलब ये भागवतम कह रही है। इनफैक्ट अभी मैं साउथ इंडिया में था तो वहां पे अलवार नम्मा अलवार वो अपने सॉन्ग में गा रहे हैं तमिल भाषा में। मतलब उनके उनका उनका तमिल आता है ना, अंडा गुंडा चलता रहता है। तो वो एक गा रहा था डिवोटी, तो वो ऐसे करता है अंडा गुंडा गंडा गंडा ऑडी पॉडी। मैंने कहा ऑडी पॉडी क्या है? तो मैंने पूछा ऑडी पॉडी क्या है? तो उसने कहा इसका मतलब है नम्मा अलवार गा रहे हैं कि भक्त भगवान को देखता है, भगवान के सामने जाता है और नाचता है पागलों की तरह। और ऑडी पॉडी मतलब, तो ऑडी मतलब कि उसके 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 जो नी है ये घुटने नाचते नाचते उसके चिन पे लगते हैं ऑडी। और पॉडी मतलब कि उसके हाथ जो है वो सर पे लगते हैं, ऐसे ऐसे करके नाचता है ऐसा पागलों की तरह, बिना कुछ उसको पता नहीं लगता क्या चल रहा है। दैट्स हाउ ही डांस ऑडी पॉडी, ऑडी पॉडी। याद कर सकते हैं आप? एक्चुअली ये कोड लैंग्वेज हो सकती है। कोई कीर्तन में खड़ा हो तो उसको बोल सकते हैं ऑडी पॉडी, वो नाचने के लिए नाच भाई। दैट्स अ कोड लैंग्वेज इफ यू वांट टू टेल ऑडी पॉडी। प्रमथ पतेन, शिव जी का नाम प्रमथ पति है, जो पागलों के पति हैं। मतलब शिव जी सबसे बड़े वैष्णव है ना। शिव जी जब भगवान की भक्ति में समाधि में जाते हैं तो नाचने लगते हैं। पता है ना आपको, नटराज है ना शिव जी का नाम। एक भगवान का एक बार नारायण का प्रसाद मिल गया था, शिव जी नाचने लगे इतना नाचने लगे पार्वती भी रोक नहीं पाई। और नाचते 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 मतलब जो शिव जी के जो बैल नंदी वो भी कोशिश कर रहे थे नाचने की, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए शिव जी नाच रहे, कैलाश हिल रहा है पूरा पूरा, कैलाश हिलने लगा, सब कुछ हिलने लगा, नाचते 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 पिघल गए, पानी बन गए। सबने कहा शिव जी गायब, पिघल गए तो पानी बन गए, अब क्या करें? पानी बन के बह गए नदी के रूप में, क्योंकि भगवान के प्रेम में इतना ज्यादा उनका हृदय द्रवित हो गया कि वो पिघल ही गए पूरे। फिर उन्होंने कहा अब क्या करें? तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से हेल्प मांगी कि भगवान अब आप ही कुछ कीजिए। तो भगवान ने अपनी मुरली बजाई, और मुरली का रोल तो आपको पता ही है, सबका धर्म उल्टा कर देती है। मुरली बजाई तो दोबारा से पानी से फिर से शिव जी प्रकट हो गए उसमें। ऐसा भी होता है हॉलीवुड मूवी, इफ यू कैन थिंक लाइक दैट। इसलिए उनको प्रमथ पति कहते हैं। वो जो आप कह रहे हो ना, वो शिव जी का एक और नाम है पशुपतिनाथ, जो पशु पशु मतलब भूतों के स्वामी पति हैं। वो बात अलग है, यहाँ पे कंट्रोलर है, यहाँ पे प्रमथ पति। तो जिस तरह गीत चरित, तो जिस तरह शिव जी आपके गुणगान करते हैं मैडनेस में, उसी तरह मैं भी आपके गुणगान करूं। गोपी तो रो रही थी, नाच रही थी, वो बात अलग है, वो तो चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। या बट शिव जी का एक नाम है प्रमथपति, बस और कुछ नहीं। सो ऐसे नाचना चाहिए वैसे आइडियली, कीर्तन सुबह मंगल आरती में ऐसे नाचना चाहिए आपको ऑडी पॉडी नहीं कल नाच के दिखाना सब लोग। इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर आप भगवान के सामने नाचोगे तो माया नचाना बंद कर देगी आपको, वरना माया के हाथों नाचोगे, नाचना तो पड़ेगा। देखो तभी तो प्रभुपाद ने प्रे की थी भगवान से, शिप में जो पोयम है कि भगवान आप मुझे नचाइए, यही है ना पोयम में लिखा था, जो उन्होंने जलदूत पे लिखा है, भगवान आप उन्हें नचाइए जिस तरह नचाना चाहते हैं उस तरह नचाइए। जिस तरह नट नट समझते ना नचाता है,
उसी तरह आप नचाइए. सो दैट्स अ होल आइडिया. नाचना तो पड़ेगा, तो माया के हाथ नाचोगे या भगवान के हाथों? किसी के हाथ तो नाचना ही पड़ेगा. सो वेल, भगवान के हाथों नाचोगे तो बेटर है. अहो दीन नाथे, ओह सॉरी कहाँ चला गया. सो मैं उस तरह करूं. और फिर ये एक प्रेयर कर रहे हैं, वो एक प्रेयर ये है जो हम कर सकते हैं. भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए कि हम आपके गुणगान गाते रहें और गाते गाते नाचते रहें. बस हमें यही चाहिए, और दूसरों को भी नचाते रहे, उनसे गुणगान करवाते रहे. बस यही तो है, अल्टीमेटली तो यही है, और क्या है, और कुछ नहीं है. और क्या करें? और दूसरी प्रे कर रहे हैं, हर त्वम संसारम द्रुततरम असारम सुरपते. हे कृष्ण, मेरा संसार हर लीजिए आप, मतलब मेरी वासनाएं जल्दी से हर लीजिए. हरि है ना उनका नाम, हर त्वम संसारम, मेरी सारी वासनाएं हर लीजिए. मैं पागल होता जा रहा हूं इन वासनाओं से, मेरा मन हृदय जलता जा रहा है, डिस्टर्ब्ड हूं मैं. अब आप ही मुझे बचा सकते हैं. यू आर द ओनली होप. हर त्वम पापानाम वितातेम अपाराम यादव पते. हे यादव पते, मेरे सारे पाप हर लीजिए जल्दी से. वितातेम अपाराम, अपाराम मतलब करोड़ों पाप जो हैं, वितातेम बहुत जल्दी से उसको हर लीजिए, मेरे सारे पापों को. क्योंकि जब तक पाप रहेंगे तब तक मेरा भजन दृढ़ नहीं हो पाएगा. कौन सा श्लोक है गीता का? ईशान तो तकता पापम ये जना पुण्य कर्म नाम तेषां द्वंद विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः. जब तक व्यक्ति के पाप रहते हैं तब तक उसका भजन दृढ़ नहीं हो पाता, क्योंकि पाप वासनाओं से फिर आपकी आपका भजन में बाधाएं आती रहेंगी. आप चैंटिंग करोगे उल्टे फुलटे विचार आएंगे, आप जब कर रहे हो आप कुछ कर रहे होगे फिर विचार आते रहेंगे, कंट्रोल नहीं होगा, रुकावटें आएंगी. पाप भक्ति को, पाप भक्ति की स्पीड स्लो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, मगर स्पीड जरूर स्लो कर देंगे. खत्म नहीं हो सकते भक्ति, भक्ति किसी से खत्म नहीं हो सकती. अपराधों से खत्म हो सकती है, वो बात अलग है, पापों से खत्म नहीं होगी, मगर स्पीड स्लो हो जाएगी बस. सो मेरे सारे पाप जल्दी से, इसलिए जगन्नाथ जी को हरि कहते हैं. मेरी वासनाएं हर लीजिए, वासनाएं कहां से आ रही हैं? पापों से, तो पाप भी प्लीज हर लीजिए. वैसे भगवान कृष्ण को हरि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भक्त का सब कुछ, सब कुछ ही हर लेते हैं, उसकी आत्मा भी हर लेते हैं. दैट्स कृष्ण, और हम तो चाहते ही हैं. सो अहो दीन नाथ है, ये प्रे कर सकते हो. हे दीन नाथ, हे दीनों के नाथ, निहित चरणों निश्चितम इदम, प्लीज अपने चरणों में मुझे सेवा का अवसर दीजिए. इस तरह से जगन्नाथ स्वामी नयन बदगामी भव, तो मैं इस तरह से प्रे कर रहे हैं. और फिर एंड में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शंकराचार्य. जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयात अपमान, जो ये जगन्नाथ अष्टकम रोज पढ़ता है. प्रयात सूची, जो व्यक्ति रोज जगन्नाथ अष्टकम पढ़ता है, सूची, सूची मतलब शुद्ध मन से, शुद्ध मन से जो रोज जगन्नाथ अष्टकम पढ़ता है, सर्व पापा विशुद्ध आत्मा, सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्ध बन के विष्णु लोकम स गच्छति, वो फिर मृत्यु के बाद विष्णु लोक चला जाएगा. दैट्स ऑल जगन्नाथ अष्टकम. इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग, आप गा सकते हो रोज, नहाते नहाते गा सकते हो, याद कर लो, एक स्तुति हो जाएगी जगन्नाथ जी की. नहाते नहाते ठंडे पानी से नहाओगे तो अच्छी ट्यून निकलेगी, और बिल्कुल ऐसी निकलेगी. कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, ऐसी गाते हैं ठंडे पानी से, गर्म पानी आने से नहीं निकलेगी. सो इट्स नॉट अ बैड डील. ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना? स्टॉप है, आई एम डन. खत्म हो गया जगन्नाथ अष्टक, खत्म मतलब अभी शुरू हुआ है, अभी तो समझ आया है. ओके, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? अदरवाइज I'm done. ये जो कुंभ चल रहे हैं, कुंभ चल, कुंभ मेला, ये क्या है? ये अभी तो ये चल रहा है, क्या पूछ रहे हो? तो वो बोलते हैं कि प्रयाग में जाके स्नान करो और आपको मोक्ष मिल जाएगा. तो कर लो. नहीं होता. नहीं, ये सच है. तो नहीं होता तो क्यों जा रही हो? ये सब बोलते हैं, ये सही है या गलत है ये स्टेटमेंट? है तो सही, सही तो है. स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है. हाँ, है तो सही, बट पॉइंट है कि किस चेतना से स्नान कर रहे हो, बस ये.
आप अलाहाबाद से हो? जी। तो अभी जाते नहीं? साल में एक दो बार जाते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बट एनी वे स्नान चेतना पे डिपेंड करते हैं, वरना इतनी मछलियां भी हैं, कुत्ते भी स्नान कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उसको। किस चेतना में स्नान कर रहे हो, दैट सिंपल। अगर आपको मेले में जा रहे हो स्नान करने में, सारे पाप खत्म हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। भक्तों तो भक्तों के लिए तो प्रयाग यही है, भगवान के चरणों में गंगा जमुना सरस्वती है, हमें तो जाने की जरूरत ही नहीं कहीं, दैट्स ऑल, कुछ करना ही नहीं। तो एक और डिवोटी ने पूछा था मुझसे, कुंभ मेला आ रहा है ना, कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो व्हाट्स द पॉइंट? इतना फेथ होना चाहिए कि भगवान के चरणों में गंगा जमुना सरस्वती है, वो तो वो उनको जाना चाहिए जो भक्त नहीं है, जिनको अपने पापों से डर लगता है, जो भक्ति नहीं कर रहे, उनके लिए ठीक है, कुछ तो होगा। हमें तो डर ही नहीं लगता पापों से, हमें क्या है, हम तो भगवान के दास हैं, जो चाहेंगे करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? जैसे बहुत सारी सास जाती है कुंभ का स्नान करने, घर में आते ही बहू पर चिल्लाती है। वो पता नहीं है, वो पाप लेके आते हैं या छोड़ते हैं? कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा, कहीं बहू के पाप तो नहीं उसको प्रभावित कर रहे? उल्टा भी हो सकता है, पाप छोड़ के आए और पाप आ गया बहू के उस पे। नहीं, जो भी है फॉरगेट इट, ये तो नॉनसेंस है, छोड़ो जो भी है। तभी तो कह रहा हूं शुद्ध नहीं हो रहे ना, पाप छोड़ दिया, मगर पाप वासना नहीं छोड़ी, बस ये, इसलिए दोबारा जो गुस्सा आ गया। सो ये प्रॉब्लम है, भगवान की भक्ति करने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वासनाएं भी खत्म हो जाती हैं, इसलिए फिर कोई क्रोध नहीं आता, ठीक है ना? दैट्स अ बेनिफिट। फायदा है भोगियों के, फायदा है, थोड़ा फायदा है, जो बिल्कुल नॉन डिवोटी उनको थोड़ा फायदा है, पाप खत्म हो गए, प्रयाग जाएंगे, कुछ संतों से भी मिलेंगे, कुछ दर्शन होंगे, मूवी से तो अच्छा है ना, उनके लिए फायदा है, हमारे लिए नहीं है। जैसे जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दूध पीना फायदा है ना, हमारे लिए है भी नहीं भी, मगर उस एज में तो जरूरी है दूध, है ना? तो अब आप कहो कि भैया वो दूध पी रहा तो मैं भी पीऊंगा, नहीं, उसको जरूरी है, आपको इतना जरूरी नहीं, अब आप बड़े हो गए हो। सो इट डिपेंड करता है कि किसके लिए इंस्ट्रक्शन है, ऐसे है बस। हाँ, क्या कह रहे हो कमल? कमलेश जल्दी पूछो, टाइम हो गया, मैं बंद कर रहा हूँ। भगवान के पास जो जाते हैं तो एक बोलते हैं कि भगवान आपके पास जो जाते हैं वो लिखा शास्त्र में कि वो वापिस नहीं आते हैं। वापिस नहीं आते? अच्छा, भगवान के धाम जो चले जाते हैं। भगवान मतलब जगन्नाथ भगवान के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं जगन्नाथ जी के पास? जगन्नाथ पूरी दर्शन के लिए। तो वापस नहीं आते, ये कहाँ लिखा है? नहीं, ये मतलब एक मतलब स्टोरी में पढ़ा था मैंने, पूरी लीला में मतलब एक महाराज लिखते हैं। एनीवे मैं बाद में बात करूंगा, ये पूछना पड़ेगा क्या स्टोरी है, बट एनीवे आई विल फिनिश हियर, सो वील जस्ट आई वांट टू एंड हियर क्योंकि टाइम हो गया है। आई विल टॉक टू यू नाउ आफ्टर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।